नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं करनेश कौशल, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि कल हमारा 50,000 सब्सक्राइबर पूरा हो चुका है, तो आप लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आप लोग को बताएंगे कि कार को रिवर्स कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत सारा कमेंट्स बॉक्स में हमारे कमेंट आ रहे हैं कि रिवर्स सही तरीके से हम कर नहीं पा रहे। जब भी हम गाड़ी को पीछे ले रहे हैं तो कभी दाएं कभी बाएं, मतलब सही से पीछे नहीं कर पा रहे कोई भी नए ड्राइवर्स, तो उसी रिलेटेड पे आज हम एक वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो को प्लीज पूरी लास्ट तक देखते रहिए, अगर आपको सीखना अच्छी तरह से। तो और अभी तक आपने हमारा हाउ टू ड्राइव कार वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज सबसे पहले उस वीडियो को जाके देख ले। उस वीडियो को मैं इस आई बटन पे दे दिया हूँ लिंक, उस आई बटन पे जाके आप देख सकते हैं कि हाउ टू ड्राइव कार। पहले कार चलाना अच्छी तरह से सीख जाइएगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि बैक गियर करना है, बैक करना है गाड़ी को, उस रिलेटेड पे वीडियो आज हम बना रहे हैं, तो देखते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगे तो प्लीज़ दूसरों के साथ लाइक और शेयर करना भी ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट कीजिए। तो मैं गाड़ी को स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्ट करने से पहले हमेशा ध्यान रखिएगा कि गाड़ी न्यूट्रल पे होना चाहिए, और हैंड ब्रेक अभी है, इसको भी मैं हैंड ब्रेक को डाउन करता हूँ। उसके बाद सीट बेल्ट तो लगा लीजिए। तो अब सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट करेंगे हम। ये रहा गाड़ी का इग्निशन स्विच, देख सकते हैं। अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। गाड़ी स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट करने से पहले हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आपका गाड़ी न्यूट्रल पे होना चाहिए। अब इस चीज को यहाँ समझना बहुत जरूरी है। ये देख सकते हैं, ये एक्सेलेटर, ए फॉर एक्सेलेटर, बी फॉर ब्रेक एंड सी फॉर क्लच। ये आप उस वीडियो पे आप अच्छी तरह समझाए हैं, उस वीडियो पे जाके प्लीज आप देखिए। तो चलिए रिवर्स करते हैं। सबसे पहले आपको क्लच को अच्छी तरह से दबाना है, ठीक है। उसके बाद बैक गियर पे डालना है गाड़ी को। तो देख सकते हैं यहाँ पे आर लिखा हुआ है, इट मीन्स ये बैक गियर है। तो हम बैक गियर को लगाते हैं। बैक गियर, ये रहा बैक गियर। बैक गियर लग चुका है। अब करना क्या है, गाड़ी को अभी कुछ नहीं किया, देखिए मैंने एक्सेलेटर को दबा नहीं रहा हूँ, तो सिर्फ क्लच को हल्का हल्का रिलीज करना है। क्लच को रिलीज करते ही, क्लच को रिलीज करने से पहले एक बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा कि पीछे का आईना आप एडजस्ट कर लीजिए। देख सकते हैं व्हाइट लाइन का पट्टी पे हल्का से मेरा गाड़ी अभी इधर है, और दूसरा ये मिरर है, इस मिरर को भी एडजस्ट करना है अच्छी तरह से। और एक्चुअली मेरा अभी उस साइड का मिरर है नहीं, तो मैं इस मिरर के बारे में मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि मेरा गाड़ी में वो शुरू से ही उस साइड का मिरर नहीं है। चलिए स्टार्ट करते फिर। तो क्लच को धीरे 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 अभी रिलीज करना है। रिलीज करने के बाद आप देखिए, आप देख सकते हैं कि गाड़ी अभी मेरा बैक गियर बैक की ओर जा रहा है। और मैं दिखा रहा हूँ आईने पे, तो इस तरह देखिए गाड़ी रिवर्स हो रहा है। और बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि अगर हम गाड़ी को पीछे कर रहे हैं तो उल्टा स्टेयरिंग को वहाँ घुमाना है, लेकिन वो एक्चुअली
वैसा होता नहीं है। अगर आप गाड़ी को जिस तरह मैं थोड़ा से दिखाना चाहता हूँ, अगर आप गाड़ी को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो जैसे सिंपल से अगर हम गाड़ी को अभी आगे बढ़ा रहे हैं तो सिर्फ स्टेयरिंग को इस साइड मुड़ना है ना, तो स्टेयरिंग को इस साइड हम मुड़ेंगे। देख सकते हैं मैंने स्टेयरिंग को इधर घुमाया है, उसका धीरे धीरे क्लच को रिलीज करते हुए देखिए हमारा गाड़ी अभी पूरा राइट साइड घूम गया है। देखिए रोड यहाँ पे गाड़ी खड़ा था, पूरा एक्चुअली यहाँ पे घूम चुका है। तो उसी तरह रिवर्स बैक करना है फिर से अभी हमको दोबारा। तो रिवर्स बैक करने के बाद, रिवर्स करने के बाद अगर आपको फिर से सपोज डैट ये स्टेयरिंग अभी सीधा है चक्का, मैं दिखा रहा हूँ एक्चुअली मैंने फिर से चक्का को सीधा कर लिया हूँ। अब करना क्या है, अगर आप अभी हम बैक जाएंगे पीछे की ओर जाएंगे तो स्टेयरिंग को अभी इस तरह घुमाए थे आगे मुड़ने का टाइम, तो उसी तरह सेम प्रोसेस पीछे मुड़ने का टाइम भी करना है हमको, अभी सेम प्रोसेस करना है। तो स्टेयरिंग को मैं फिर उसी तरह घुमा रहा हूँ बैक करने के लिए, और बैक गियर लगा हुआ है, आप देखिए मैं पीछे कर रहा हूँ गाड़ी को। देखिए वापस दोबारा गाड़ी वहीं पे आ चुका है। तो ये प्रोसेस है बैक करने का, स्टेयरिंग अगर आप राइट जा रहे हैं राइट की ओर मुड़ रहे हैं तो राइट ही घुमाना है, और गाड़ी को पीछे भी कर रहे हैं तो आपको स्टेयरिंग राइट की ही ओर मुड़ना है। तो चलिए फिर से आपको बताने वाले हैं कि गाड़ी को रिवर्स का अगर करना है, अगर बैक हमको करना है, अगर राइट साइड मुड़ना है बैक में तो स्टेयरिंग को किधर घुमाना है। तो अगर हम एक्चुअली थोड़ा सा हम डेमो दिखा रहा हूँ आप लोग को, मैंने एक यहाँ पे दो पत्थर रखा हूँ, देख सकते हैं ये एक पत्थर है और यहाँ पे एक पत्थर रखा हूँ। एक्चुअली मैं करूँगा क्या कि गाड़ी को अभी बैक करके मैं यहाँ पे पार्क करने वाला हूँ, ठीक है, दो पत्थर के बीच में। तो उसी चीज़ को मैं दिखा रहा हूँ बैक कैसे करेंगे। तो मैं दोबारा गाड़ी पे बैठ चुका हूँ और हमको अभी गाड़ी उस जगह पे ले जाना है, दो पत्थर का बीच में हमको पार करना है। तो करना क्या है, गाड़ी को अगर हम बैक करेंगे तो स्टेयरिंग को इस साइड पे जिस तरह आगे हम बढ़ते हैं तो स्टेयरिंग को इस साइड घुमाते हैं, उसी तरह बैक करने का टाइम भी हमको स्टेयरिंग को इस साइड ही घुमाना है राइट साइड। तो देखिए मैंने अभी राइट साइड पे घुमाया हुआ चक्का को, अगर इस तरह यहाँ सीधा था तो स्टेयरिंग को दोबारा इस तरह घुमाना है। ये तो आपको प्रैक्टिस करने के टाइम धीरे धीरे आपके साथ वो भी क्लियर हो जाएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा अच्छी तरह से तब तक ये थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है, बट आप लोग के साथ जब कभी आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे खुद ब खुद सक जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोबारा मैं क्लच को रिलीज कर रहा हूँ देखिए, और मेरा गाड़ी अभी मैंने गाड़ी को पूरी अच्छी तरह से पार्क कर चुका हूँ यहाँ पे, फिर से स्टेयरिंग को मैंने सीधा कर लिया हूँ। तो सिंपल सा प्रोसेस। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए, रेड बटन पे जाके सब्सक्राइब कीजिए और घंटे बटन को मत भूलिए दबाने के लिए, जिससे कि मैं कोई भी नया वीडियो डालते रहूँगा तो आपको मेरा नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना भी ना भूलिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।